नियम बना लिया। अब इनको मालूम नहीं पड़ा कि सालों निकल गए, निकलते निकलते इनको नहीं मालूम पड़ा कि मल मास आ गया, और मल मास आया और वो मल मास वो अधिक मास सावन के महीने में आ गया। संजोग ऐसा बन गया कि मल मास पूरा धीरे 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 करते करते सावन के 15 दिन इधर रह गए, 15 दिन उधर रह गए, बीच में मल मास फंसा था, इस अधिक मास का पूरा महीना निकला, अमावस्या का दिन आ गया, और इधर सावन लग रहा था, इधर अमावस्या पड़ गई, और दूसरे दिन सावन के 15 दिन पड़ना थे, शिव के दिन पड़ना थे, और शास्त्र कहता है अधिक मास का आखिरी दिन और सावन का महीना वापिस लग रहा हो उस दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पुण्य चालू कर देते हैं, पूरा पुण्य। अच्छा चलो, तुम लोग यहाँ मैनपुरी में रहते हो तो गिरिराज जी जाते हो, गोवर्धन कौन कौन जाता है, जाते हो आप लोग? अब रखिए, तो वहाँ पर अमावस्या पूर्णिमा को लोग भंडारा चलाते हैं, चलाते कि नहीं चलाते? आप लोग तो यहीं रहते हो ना, कहीं कहीं अमावस्या पूनम को अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा क्यों चलाते हैं, उसका कारण क्या? इनने कौन सी कथा सुन रखी है कि अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा करो? अमावस्या के दिन कोई शंकर का भगत आ गया, कोई शिव का उपासक आ गया, कोई शिव का ओगड़दानी का भगत आ गया, कोई नारायण का भगत आ गया, उसको कुछ खिला दो, उसका मुंह झूठा करा दो, आखिर कारण क्या? बड़े बड़े घरों में ब्राह्मण को निमंत्रण दिया जाता है, अमावस्या है पंडित जी आ जाना भोजन कर जाना, पूर्णिमा है पंडित जी आ जाना भोजन कर जाना, पूर्णिमा के दिन कथा कर जाना, अमावस्या के दिन कथा कर जाना। अमावस पूनम का ऐसा योग क्यों बनता है? उसका कारण केवल एक, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अमावस्या अधिक मास के 30 दिन पूरे हो रहे हैं, अमावस्या का दिन था, दूसरे दिन श्रावण का महीना वापिस चालू, श्रावण वापिस चालू होना था। दोनों का जब संजोग होता है, सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है, विराम का दिन होता है। आपको कथा में भी पहले कहा, मेहमान तुम्हारे यहाँ रहते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं, मेहमान जिस दिन जाते हैं 200-500 रुपए बच्चों को दे जाते हैं। अधिक मास का विराम का दिन और सावन का वापिस मध्य का प्रारंभ का दिन वापिस हो जाता है, जब अधिक मास विराम होगा सावन वापिस चालू होगा, उस दिन 33 कोटि देवता, यक्ष गंधर्व देवता पितर सब उस दिन लुटाते हैं, संपदा देते हैं, वैभव देते हैं, और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार, एक पुष्प कनेर देखा है? पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा बाची है पहले, उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था। ये रोड के ज्यादातर लोग ये कनेर का जो फूल है ना रोड के बीच में लगा देते, क्योंकि उसको जानवर भी नहीं खाता, पशु भी नहीं खाता, पक्षी भी नहीं खाता, जहरीला इतना होता, पीले कलर का होता, लंबा, काम भी कुछ नहीं आता, बस वो कनेर का फूल, और आंधी तूफान पानी गिरता है तो जमीन पर टपक जाता है, ढेर सारे गिर जाते, देखे किन देखे, अरे बोलो तो जम के देखा है ना, उसको बकरी भी नहीं खाए, पशु भी नहीं खाए, पक्षी भी नहीं खाए, जानवर भी नहीं खाए, जहरीला कनेर का पीला पुष्प, भूलवश आज राजा नल और दमयंती जा रहे थे, उनको फूल नहीं मिले, शिव जी को समर्पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला, इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिक मास का विराम है, आज दूसरे दिन सावन का वापिस मिलन है, इनको नहीं ज्ञात था कि 33 कोटि देवता अपना भंडार लुटाने के लिए तैयार रहते हैं, 33 कोटि देवता भूलवश। हमसे लोग कह रहे थे, गुरु जी आपने सीहोर की जो कावड़ यात्रा रखी वो 16 अगस्त को रखी, जिस दिन अधिक मास का विराम है और दूसरे दिन वापिस सावन चालू है, कम से कम संडे को रखना था, रविवार को रखना था, तो लोग ज़्यादा आते पहुँचते। हमने कहा हमें लोगों से मतलब नहीं, हमें संजोग से मतलब है, जिस दिन बाबा को जल चढ़ेगा, कनेर का फूल चढ़ेगा, उस दिन बाबा मेरा कुबेर भंडारी कितना दे जाएगा यह किसी को नहीं मालूम है। उस दिन लोग आने वाले कांवड़ियों को कितना खिलाएंगे और उनको क्या मिलेगा यह अंदाजा नहीं है। उस दिन कांवड़ यात्रा का जल भरकर हमने सीहोर से रखी 10 किलोमीटर की, आपको भी निवेदन है जो जो फ्री हो, जो उसके पास समय हो, और जिसने जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की कांवड़ ना भरी हो, वो 16 अगस्त दिन बुधवार, शायद बुधवार पड़ना चाहिए, 16 अगस्त को सुबह 9 बजे सीवन कमैया का जल लेकर
बाबा कुबेर भंडारी को 10 किलोमीटर दूर सीहोर से 10 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। बाबा का भजन करते हुए, नाम जाप करते हुए, दो हाथ में सुंदर, या तो तुम कंधे पर कांवड़ ले लो, या हाथ में ले लो, या बोतल ले लो, बाबा को समर्पित करके एक कनेर का पुष्प दिल से, जो ये दमयंती और नल की कथा करेगी, भूलवश चढ़ गया, भूलवश अनायास, मालूम नहीं है कि कनेर का पुष्प चढ़ गया। अब इनको पुष्प ना मिला, पुष्प ना मिला, ना मिलने पर इन्होंने देखा मार्ग से जाते जाते इस पुष्प पर ना पक्षी बैठ रहा है, ना पशु बैठ रहा है, ना इसको कोई खा रहा है, ना कोई जान रहा है। पुष्प देखा, कनेर का पुष्प सम्मुख था, छीना और उठाकर उस दमयंती ने अपने पति नल को दिया। नल ने वो पुष्प देव अधिदेव महादेव को समर्पित किया। समर्पित करा हुआ पुष्प नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो वो गिरता हुआ पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर जाकर टिक गया। तब अशोक सुंदरी ने देव अधिदेव महादेव से कहा, पिताजी इसने पुष्प मुझे दिया है। शिव कहते हैं, ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था, मैंने तुझे दिया था। ये स्थान देवी का हस्त कमल है। आज का दिन 33 कोटि देवता अपना भंडार, अपना पुण्य मनुष्य को देते हैं, इसलिए आज तुम पुण्य दीजिए। सब देवताओं ने मिलकर जब पुण्य दिया, नल का सड़ता हुआ शरीर, काला पड़ा शरीर, रोग से ग्रसित शरीर नल का ठीक हो गया, और जो पुष्कर ने धन लिया था वो वापिस राजा नल को प्राप्त हो गया। फिर संपदावान, फिर वैभववान, फिर कीर्तिवान हो गया।